सीधे आपको रोहतक लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, जज साहब क्या जेल के भीतर बनी कोर्ट में पहुंच चुके हैं? कब अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, जानकारी क्या मिल रही है? देखिए रुमाना, अभी जज जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चंडीगढ़ से 1:15 पर चंडीगढ़ के राजिंद्रा पार्क हेलीपैड से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था, जहां से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमतौर पर अपने हेलीकॉप्टर की सवारी शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर तकरीबन 45 मिनट से एक घंटा लगेगा जब वो यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जेल के अंदर ही एक हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही जहां पर जेल के कोर्सेज होते हैं कैदियों के लिए, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो या उन्होंने कोई पढ़ाई करनी हो, उसके लिए एक कैंपस के अंदर ही स्कूल बना हुआ है जिसमें 6 कमरे हैं। 6 कमरों के अंदर एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर ही ये टेम्परेरी कोर्ट बनाई गई है जहां पर कि राम रहीम के वकील होंगे और CBI के वकील होंगे। कार्यवाही 2:30 शुरू होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि 3:30 तक पूरा फैसला आ पाएगा। वो मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं आपको क्यों इतना टाइम लगता है। जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी, गिल्टी नॉन गिल्टी वो पहले ही हो चुका है, सबसे पहले CBI के जज बोलेंगे और वो कहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ने जो घिनौना कार्य किया है उसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, वो मैक्सिमम सजा की डिमांड करेंगे। तो 7 या 10 साल, दोनों में से हमें लगता है कि वो 10 साल की सजा की डिमांड करेंगे, ऐसे संकेत CBI ने हमें दिए भी हैं। 10 साल की सजा की मांग करने के बाद जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अपना तर्क रखेंगे कि राम रहीम जो है वो इन सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, इनके खिलाफ साजिश रची गई थी, केवल एक औरत के बयान के आधार पर ये इनको गिल्टी करार दिया गया है, इनके खिलाफ रहम बरता जाए और इनको कम सजा दी जाए। तो ये दोनों दलीलें पूरी होंगी, उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट के लिए दोनों वकीलों को कोर्ट के बाहर भेज दिया जाएगा और जज कहेंगे कि ठीक है, मैंने दोनों की दलीलें सुन ली हैं, अब वो अपना माइंड अप्लाई करके फैसला देंगे, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसके फैसला आएगा। तो 2:30 से 3 बजे के बीच में मुझे लगता है कि दोनों वकीलों को सुना जाएगा, और दोनों वकीलों को सुनने के बाद 15-1 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट तक, जो कि आधा घंटे का वक्त भी लग सकता है, जज उनको बाहर भेजेंगे, फैसला लिखेंगे, जो उनका ओपिनियन होगा दोनों को सुनने के बाद वो अपना ओपिनियन देंगे, सजा के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद दोनों वकीलों को बुलाकर आरोपी के सामने, जो कि दोषी करार दिया जा चुका है 25 तारीख को, राम रहीम को ये सजा सुनाई जाएगी उनके वकीलों के सामने। तो ये पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद तुरंत दोबारा से हेलीकॉप्टर से जज वापस पंचकुला के लिए रवाना होंगे, 2 उनके स्टाफकर्मी उनके साथ होंगे, और हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि बाय एयर जज को सीधा रोहतक ले जाया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उसके बाद उनको वापस फैसला सुनाने के बाद वहां पहुंचाया जाए। तो 2:30 से 3:30 के बीच में ये पूरी अदालती प्रक्रिया रोहतक में खत्म होगी। रुमाना जी, जगविंदर, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है इस बलात्कारी बाबा को, क्या CBI की तरफ से 10 साल तक की ही सजा की मांग की जाएगी? क्या उम्र कैद की सजा का प्रावधान नहीं है इन धाराओं के तहत? देखिए, इसमें एक टेक्निकल लोचा है, मैं आपको समझाता हूं कि पहले ये मुकदमा 2002 का है जब CBI ने जांच शुरू की थी, और जब दिल्ली गैंगरेप हुआ था उससे पहले इस पूरे मामले में 7 साल कम से कम और 10 साल ज्यादा से ज्यादा का प्रावधान था, लेकिन दिल्ली गैंगरेप के बाद ये तय हुआ कि इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन जो मेरी कानून के जानकारों से बात हुई है, जितनी कानून की समझ मुझे है, मुझे लगता है कि जो पहला कानून था, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप के वक्त संशोधन किया गया था कानून में, उससे पहले जो 2002 का मुकदमा चल रहा है उसमें शायद CBI 10 साल के लिए ही इनको सजा देने की मांग करेगी, कैद की मांग करेगी, उसमें उम्र कैद का प्रावधान तब नहीं था जब इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई थी। सो इसलिए इनको उम्र कैद की सजा नहीं मांग सकती, और 10 साल की सजा मुझे लगता है CBI मांगेगी, और कोर्ट का जिस तरह का रुख है, जिस तरह की हिंसा हुई है, मुझे लगता है कि 10 साल के लिए राम रहीम अंदर जाएंगे। बिल्कुल, और जगविंदर पटियाल, जो बात आप कह रहे थे कि जो डेरा के वकील हैं, जो इस बलात्कारी बाबा के वकील हैं, वो कम से कम सजा देने की एक अपील अदालत के सामने करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो यही कि जिस तरीके की हिंसा देखने के लिए मिली है, जैसे ही दोषी करार दिया गया था इस बलात्कारी बाबा को, ऐसे में वो दलीलें टिकेंगी कहां अदालत के सामने, जज साहब के सामने? मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया। रोमाना, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, जिस तरह से 25 तारीख के बाद हिंसा हुई थी और जिस तरह से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, उसे देखते हुए हाई कोर्ट से लेकर CBI कोर्ट तक इसे पूरे संगीनियत, बड़ी संजीदगी से इस पूरे मामले को ले रहा है। एक बात और है, अभी 2 और मामले जो हत्या के इनके खिलाफ चल रहे हैं, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला, डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का मामला है सितंबर के महीने में, वो भी फाइनल आर्गूमेंट पे लगे हुए हैं दोनों केस, क्योंकि उसमें भी जीरा पूरी हो चुकी है, एविडेंस पूरा हो चुका है। सो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इसमें मैक्सिमम सजा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को मिलती है, तो उसके पीछे पीछे 2 हत्या के मामले और आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि तमाम हालात को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसीलिए आदेश जारी किए थे कि डेरे की तमाम प्रॉपर्टियों की लिस्ट मंगा ली जाए और जो सुरक्षा के इंतजाम दोनों राज्यों में करने हैं वो पुख्ता किए जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट और
सीबीआई कोर्ट। लगता नहीं है कि इस मामले में जो बचाव पक्ष के वकील कहेंगे कि राहत या लीनियंसी बरती जाए, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से कि मैक्सिमम सजा की बजाय लीनियंस एटीट्यूड अपनाया जाए, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब कोई राहत की गुंजाइश राम रहीम के लिए बची है। और कोई जानकारी मिल पा रही है कि जब फैसला आ जाएगा सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान तो है ही इन धाराओं के तहत जिसमें दोषी करार दिया गया है राम रहीम को। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगला कदम जो होगा कोई भी राहत का या जमानत का, उसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन उससे पहले क्या इसी जेल में रखा जाएगा राम रहीम को या फिर किसी और जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है, इस बाबत कोई जानकारी जगविंदर? देखिए, रोहतक की जेल में ही रखा जाएगा उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके इंतजाम पहले ही यहां कर लिए गए थे। और अगर अपील करनी है तो वो फैसले में सीबीआई कोर्ट ये देगी कि अगर आपको इतनी सजा सुनाई गई है, आप इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं हाईकोर्ट में जाकर, तो आपके पास 3 महीने से 6 महीने का वक्त है, आप इतने महीने के अंदर हाईकोर्ट में जाकर अपील कीजिए। और बचाव पक्ष के वकील कहेंगे कि वो इस मामले में अपील करेंगे जाकर। वो एक कोई भी जो मुजरिम होता है उसको ये अख्तियार होता है कि वो किसी भी अदालत के फैसले को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाए। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि राम रहीम ने ये जो 25 तारीख के बाद जो सारा एपिसोड खड़ा हुआ है, उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपने लिए दिक्कत खड़ी कर ली है। और उनके वकील भी ये बात जानते हैं कि हाईकोर्ट तो पहले ही इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट में भी कोई उनको किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाईकोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच जो है पहले ही पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सो राम रहीम ने अपनी कुछ गलतियों की वजह से, हिंसा की वजह से, अपने जो कानूनन बचाव के रास्ते थे वो ज्यादातर अभी से बंद कर लिए हैं। बिल्कुल, रास्ते अपने लिए बंद कर लिए हैं राम रहीम के गुंडों ने, जिस तरीके की गुंडागर्दी करके दिखाई थी जैसे ही पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था राम रहीम को 25 अगस्त को। उसके बाद अब यहां से रास्ता बेहद मुश्किल बलात्कारी बाबा राम रहीम के लिए। और एबीपी न्यूज पर यह सजा का जो बड़ा फैसला आना है इस बलात्कारी बाबा पर, उसकी विशेष कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ कोर्ट रूम से मेरी सहयोगी नेहा पंत भी इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ पक्ष विपक्ष की दलीलें रखने के दो वकील भी मौजूद हैं। आइए सीधे आपको कोर्टरूम लिए चलते हैं नेहा के पास। नेहा, आपका रोमाना एबीपी न्यूज पर, ये है हमारा कोर्टरूम। और आज राम रहीम पर जो फैसला आने वाला है, सजा पर सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा, कानूनी मायने उसके क्या होंगे, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको बताएंगे कि पक्ष विपक्ष की दलीलें कानून के हिसाब से कैसे रखी गई है, सजा कितनी हो सकती है, 7 से 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद भी, जिस पर काफी चर्चा हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एबीपी न्यूज के कोर्ट रूम में। हमारे साथ एडवोकेट विकास गुप्ता जी हैं और लॉयर ज्ञानंत सिंह हैं। इनसे हम जानेंगे कि आईपीसी की वो कौन सी धाराएं होंगी जिसके तहत कितना जो पनिशमेंट है वो मिल सकती है, और किस तरह का केस पक्ष की तरफ से राम रहीम के वकीलों की तरफ से होगा और विपक्ष में किस तरह से होगा। और इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखा दें, जज साहब कोर्ट रूम के भीतर, जो कि विशेष है, अदालत बनी जेल के भीतर, वहां पहुंचने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जगविंदर, जज साहब पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, जब पंचकुला से उड़े थे तो हमने कहा था कि 1.5 घंटे से 1 घंटे के बीच में वो रोहतक पहुंचेंगे। ये हेलीकॉप्टर की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो हरियाणा सरकार का हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर उनको लेकर सुनारिया जेल के पास पहुंच गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जिस जज को फैसला सुनाना है वो जज हेलीकॉप्टर से पहुंच गए हैं, सीबीआई के जज, जिन्होंने एक ऐसा फैसला देना है आज, जिस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार बलात्कारी बाबा को क्या सजा मिलेगी। ये उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि हेलीकॉप्टर से जज को उनके स्टाफ के साथ ले जाया जाएगा सुनारिया जेल में, और उसी को हरियाणा सरकार ने अमलीजामा पहनाते हुए हेलीकॉप्टर और पूरी सुरक्षा के बीच में जज को उस जेल में भेजा है जहां पर बलात्कारी बाबा राम रहीम बंद है। और अब तकरीबन 15 मिनट बाद, जेल में हेलीकॉप्टर उतरने के 15 मिनट बाद अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। और देश जिस फैसले को देखना चाहता है कि बलात्कारी बाबा को 7 साल की सजा मिलेगी या 10 साल की, लेकिन सीबीआई 10 साल की सजा की मांग ही करेगी, वो घड़ी आ गई है। शायद बाबा राम रहीम जैसे और उन अपराधियों के लिए जो कि कानून से डरते नहीं है, उनके लिए डरने के वक्त की शायद ये सबसे मुश्किल घड़ी है। ये पहला फैसला है, अब तक जितने भी राम रहीम के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं उनमें ये पहला फैसला है बलात्कार का जिसमें सजा सुनाए जाने का वक्त आया है। इसके अलावा 3 और मामले हैं जिनमें सजा आनी बाकी है, तीनों ही सीबीआई एक जांच कर रही है और 2 जो है वो सितंबर तक फाइनल आर्गुमेंट पर आ जाएंगे।
जगविंदर आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, 2:30 बजे क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सजा के ऊपर सुनवाई शुरू होगी, तो अभी जज साहब के हेलीकॉप्टर को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जैसा कि आप दिखा रहे थे, कब तक वो जेल के भीतर बनी अदालत में पहुंचेंगे और कब सजा पर यह सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या लगता है? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 2:30 बजे अदालत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि सीबीआई जज जो हैं अदालत के उस आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी बायर जज को रोहतक की जेल में पहुंचाने की, उसी के चलते ये तमाम प्रावधान किए गए थे। तो उसमें लिखा गया था कि 2:30 बजे, उस नोटिफिकेशन में हमारे पास एक्सक्लूसिव उसकी कॉपी थी, उसमें लिखा गया था कि 2:30 बजे कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है 15 मिनट का वक्त और बचा है, 2:15 हो रहे हैं, 2:15 और 2:30 पर अदालत की कार्रवाई शुरू। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि जेल कहां बनाई गई है, सुनारिया जेल है, ये रोहतक के बाहरी इलाके में पड़ती है और सुनारिया जेल का एक 6 रूम का कैंपस है जिसमें कि डिप्लोमा और अन्य कोर्सेज करवाए जाते हैं और उन कोर्सेज में लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी को टेम्परेरी कोर्ट का नाम दिया गया है। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे मामले पर, अंकित भी नजर बनाए हुए हैं। अंकित, लगता है कि अगले 1 घंटे में बाबा का जो है सजा का फैसला हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और एबीपी न्यूज ने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि 2:30 बजे जो है सुनवाई शुरू होगी, लेकिन अभी सिर्फ सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई शुरू होगी तो दोनों ही पक्ष, फिर चाहे वो बाबा राम रहीम के वकील हो जो कि हमने देखा था आपसे करीबन 15 मिनट पहले यहां से गए हैं, और सीबीआई के वकील, दोनों अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। सबसे पहले जो सीबीआई के वकील हैं वो अपनी दलील रखेंगे और वो ये बताएंगे कि राम रहीम, गुरमीत राम रहीम को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो जो धाराएं हैं आईपीसी की धारा 376 जिसमें 7 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल क्लॉज भी जुड़ जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 376 में यह कहा जाता है कि अगर स्पेशल क्लॉजेस वहां होते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला हो, हॉस्पिटल हो या कोई ऐसा शख्स हो जो कि यहां जो किसी ऐसी पोजिशन में हो जो जहां पर लोग भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, अगर वो कुछ इस तरीके से घटना को अंजाम देता है तो वहां पर उसकी जो है सजा उम्र कैद तक जा सकती है। तो पहले दोनों पक्षों की दलील होगी, उसके बाद में अमूमन होता यह है कि जज अपना ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं अगर दलील लंबी होती है, उसके बाद में फैसला, यानी उम्मीद की जा रही है 3:30 से 4 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है फैसला, हो सकता है सजा का ऐलान। तस्वीरों में हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर जो हम देख रहे हैं इसी में है जज साहब और जल्दी पहुंचेंगे वो उस परिसर में जहां पर विशेष अदालत बनाई गई है। मेरे साथ यहां कोर्ट रूम में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। विकास गुप्ता जी, बड़े संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है बाबा राम रहीम पर आज सजा क्या होगी? देखिए, सजा क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो हाईएस्ट पनिशमेंट की ही बात करेगा, और जहाँ तक डिफेंस काउंसिल हैं वो अपनी बात रखेंगे कि वो जिसमें वो दलीलें शामिल होती हैं कि जी वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं इसलिए मिनिमम से मिनिमम सज़ा दी जाए। नेहा जी, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 2013 में जब निर्भया 2012 दिसंबर में हुआ और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, उससे पहले भी 376 में शैल बी पनिश्ड अप टू 7 ईयर्स लाइफ और अप टू 10 ईयर्स का प्रावधान है। तो 2013 की अमेंडमेंट से पहले भी ही प्रावधान था कि लाइफ और अप टू 10 ईयर्स। तो मेरे को लगता है कि प्रोसिक्यूशन इसमें, क्योंकि 2 साध्वी के रेप का मैटर है तो हाईएस्ट पनिशमेंट की ही बात मांग रखते हैं। उम्र कैद तक भी ये मामला जा सकता है। ज्ञानन सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद है। ज्ञानन जी, क्या लग रहा है किस तरफ पूरा मामला जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है? देखिए, इसमें जो सीबीआई है अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ रेप की परिभाषा 376(2) में दिया गया है, अगर उसमें ये डालने की कोशिश करेगी, अगर उस एक्सेप्शंस में उस ग्रेवर रेप में आ जाता है तब तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ ये बढ़ सकता है मामला। बट लेकिन जो हमारा जो पोस्ट निर्भया अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो क्लियरली ये दिया गया था कि अगर टीचर है या कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में व्यक्ति है जो रेप करता है तो वो ग्रेवर ऑफेंसेस में आएगा, और 376(2) में जो उस समय का जो पुराना जो कानून है जो अभी लागू होगा इस केस में वो जो है सिर्फ एक्सेप्शंस पुलिस, मिलिट्री या हॉस्पिटल ऐसे, और चिल्ड्रन होम और विमेन होम जो रिमांड जहां पे महिलाएं या बच्चे रखे जाते हैं ऐसे सिचुएशन को ग्रेवर ऑफेंसेस के दायरे में रखा था। इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि उसमें इसको डाला जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब आप कह रहे हैं मुश्किल है कि उम्र कैद तक मामला जाए। हाँ, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, अगर उसको पढ़ा जाए, क्योंकि और ये इसलिए भी क्लैरिफाई हो जाता है क्योंकि उसके बाद जो पोस्ट निर्भया अमेंडमेंट आया
बताया था उसमें ये बियॉन्ड उससे चला गया। अगर ऐसा होता तो इतनी क्लैरिफिकेशन। तो ज्ञानम जी, बहुत संक्षेप में फिर आपके हिसाब से अगर उम्र कैद नहीं तो कितना हो सकता है पनिशमेंट का दायरा, कितना मैक्सिमम? जो सबसे कम है वो 7 साल दिया गया है, इसके बाद इससे आगे जज की डिस्क्रिप्शन पे है कहाँ तक जज जा सकते हैं। अभी जो नया कानून है उसमें तो ये है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो जेल में रखा जा सकता है। विकास जी, क्या लग रहा है सीबीआई की दलीलें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दो साध्वियों से रेप का मामला है तो दोनों की सजा अलग अलग या एक ही सजा में उसको बढ़ाया जाएगा, क्या इसको लेकर के भी कोई कानूनी पेच है यहाँ? बिल्कुल, कॉन्करेंट और कंसेक्यूटिव रहती हैं सजाएं। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्करेंट करते हैं या कंसेक्यूटिव करते हैं। अगर कॉन्करेंट किया तो दोनों सजाएं एक साथ ही चलेंगी, और अगर कंसेक्यूटिव किया तो एक सज़ा पूरी होने के बाद दोबारा सज़ा रहेगी। मेरे ख्याल से सीबीआई का जो पक्ष, जब प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखेगा तो वो मैक्सिमम सज़ा की मांग करेगा, प्लस साथ के साथ ये भी कहेगा कि दो साध्वियों के रेप हुए हैं यहाँ पे और बाकी और भी मुकदमे उन पे चल रहे हैं तो ये सज़ा कंसेक्यूटिव रही जाए। लेकिन ज्ञानन जी, जो बात विकास जी ने कही, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात अगर इस तरह से पेश किया जाता है राम रहीम के केस को उनके वकीलों द्वारा, तब क्या? नहीं, जो ये वेरी नेचर ऑफ जो कंप्लेंट है उसमें ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस जो है बहुत ही जज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक कस्टडी में, एक कन्फाइंड स्पेस में ये महिलाएं रह रही थीं और वहाँ पे उनका यौन शोषण हो रहा था। तो ऐसे केस में वो जो जज के पास डिस्क्रिशन होता है और जो इनकी जो आर्ग्यूमेंट होगी वो शायद उतना वेट नहीं रखेगा। दूसरी बात, जो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है, अगर इनमें से कोई भी 16 साल की उम्र की या उनसे उससे कम होंगी तब तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि वो तब सीबीआई के लिए आसान हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मांगना, क्योंकि वो एक ग्रेवर ऑफेंसेस में ऑलरेडी पुराने कानून। चलिए, तो ये कानूनी दाव पेच आगे भी हम देखते रहेंगे। आपको बता दें बहुत कम वक्त बचा है, आप देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट का इंतजार। 2:30 बजे से ये कहा जा रहा है कि सजा क्या होगी, इस पर फैसला आने से पहले सुनवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट रूम में। आपको बता दें जज साहब रोहतक पहुंच गए हैं, आगे की जानकारी के लिए सीधे आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं रोमाना के पास। तो महज 9 मिनट का और इंतजार, 2:30 बजे ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। लगातार एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो हेलीकॉप्टर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें बैठकर जज जगदीप सिंह, जो रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच रहे हैं, क्योंकि जेल के भीतर ही अदालत लगेगी, वहीं पर जज साहब सजा पर फैसला सुनाएंगे इस बलात्कारी बाबा को। सीबीआई के वकीलों की तरफ से सख्त सजा की मांग की जाएगी इस बलात्कारी बाबा के लिए। हालांकि जाहिर सी बात है, जो बाबा के वकील हैं, जो डेरा के वकील हैं, उनकी तरफ से मांग की जाएगी कि इस मामले में नरमी बरती जाए, लेकिन जिस तरीके की हिंसा की गई है, बाबा के गुंडों की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद उसे 25 अगस्त को बहुत मुश्किल की ये तमाम दलीलें अदालत में टिक पाएंगी। फिलहाल बड़ी बातों के लिए जल्दी से न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको पल्लवी के पास। बिल्कुल, तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद सज़ा पर बहस शुरू हो जाएगी। कोर्ट लगाई गई है जेल में, 10 मिनट में बलात्कार के दोषी राम रहीम पर फैसला आएगा। एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले दिखाएंगे आपको, राम रहीम को 7 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। रोहतक की जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई है, क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन ऐलान हुआ था कि दोषी है राम रहीम उसके बाद हिंसा भड़की थी। हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल पहुँचे जगदीप सिंह, हेलीकॉप्टर उन्हें पहुंचाया गया है रोहतक जेल। हिंसा फैलाने वालों को गोली मारने के आदेश हैं, ये सख्त आदेश दिए गए हैं। जिस दिन दोषी करार दिया गया था उस दिन भी ये सख्त आदेश थे। वापस रुक करूंगी रोमान आपका। तो महज 8 मिनट का इंतजार और रह गया है और उसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।